पास इन लोगों को बचाने के लिए केवल 3 दिन हैं। किंतु गुरुजी, गणेश तो एक बालक है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। गणेश कोई साधारण बालक नहीं है। देखा गुरुजी, मैंने कहा था ना, मैं किसी ना किसी दिन मुक्त हो जाऊंगा, उसके बाद एक एक गांव वालों से बदला लूंगा। अब सब मेरे दास बन चुके हैं और कुछ ही दिनों में पूरे धरतीवासी मेरे दास बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, गणेश तुम्हें पराजित कर वापस बंदी बनाएगा। गणेश वो है कहाँ? उसे तो मैं देख लूंगा, बताओ कहाँ है वो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे लिए क्या आज्ञा है मेरे स्वामी? मुझे बताओ गणेश कहाँ है? मैंने उसे नीलकंठ पर्वत पर भेजा है। पर्वत के अंदर एक ऐसी शक्ति है जिससे सारे दानव वापस अपने पुराने रूप में आ जाएंगे। मैंने उसे इस आईने के रास्ते भेजा है। ये एक जादुई आईना है। तो ये बात है, मुझे अच्छे से पता है कि गणेश को वहां जाने से कैसे रोकना है। हमें किसी भी तरह गणेश तक पहुंचना है। हाँ, इनके यहाँ से जाने के बाद हम दोनों भी आईने के रास्ते गणेशा के पीछे जाएंगे और गणेशा को चेतावनी देंगे। हमें चलते चलते कितनी देर हो गई है, किंतु अभी तक हमें सुमेरु पर्वत के रास्ते का पता ही नहीं चला। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। याद करो गुरुजी ने क्या कहा था, तुम्हें संयम से काम लेना होगा, नहीं तो वो दानव तुम्हारी कमियों का फायदा उठाएगा। मेरी दानव सेना, मेरे पीछे पीछे आओ। हमें शीघ्र ही गणेश को ढूंढना है और उसे हमारी शक्ति छीनने से रोकना है। चलो मेरे साथ। इनके पीछे चलना चाहिए। अरे बच्चों, कहाँ जा रहे हो? अच्छा हुआ आप मिल गई। क्या आप हमें नीलकंठ पर्वत का रास्ता बता सकती हैं? इतने प्यारे बच्चों की मैं क्यों मदद नहीं करूंगी? वो नदी देख रहे हो सामने? बस उस नदी के साथ चलते जाओ, थोड़ी ही देर में तुम लोग वहाँ पहुँच जाओगे। अच्छा हो गया तुम लोग मिल गए। अरे तुम लोग यहाँ? हाँ, हमें तुम्हें एक अत्यंत आवश्यक बात बतानी है। गुल्लू और बाकी दानव सेना तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए हैं। कोई बात नहीं, हमें नीलकंठ पर्वत का रास्ता पता चल गया है, थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्या हम लोग भी तुम्हारे साथ चल सकते हैं? क्यों नहीं मित्र, सब एक साथ चलेंगे तो बहुत आनंद आएगा। बालकों अब समय नष्ट मत करो, कहीं उस दानव ने तुम्हें ढूंढ लिया तो। हाँ अब जल्दी से चलते हैं। धन्यवाद रास्ता बताने के लिए। तुम नादान बालकों को क्या पता
कि मैंने तुम्हें एक ऐसी मायावी महल में भेजा है जहां से कोई वापस नहीं आता। इस घनघोर वन में ये महल कितना सुंदर महल है। चलो चलकर देखते हैं। अरे रुको, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर विश्राम करते हैं। अरे रुको, ये कोई जाल हो सकता है। यह अवश्य कोई जाल है। हाँ, लेकिन अंदर आ ही गए हैं तो एक बार महल के अंदर चलकर देख भी लेते हैं। करो स्वागत। अतिथि है देवता और हम सब हैं उनके सेवक। हम करेंगे साफ सफाई और इस घर की चमकाई। अब लाए जाएं लड्डू, पेड़े और पकवान। हो गया आपका भोजन तैयार। हम तो बेकार में ही डर रहे थे। ये महल तो अद्भुत है। अवश्य इस महल का स्वामी कोई भला मानस होगा। नहीं राधा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे तो खाना देखकर बड़ी भूख लग रही है। बहुत देर से कुछ नहीं खाया है। हाँ, खाना खाने से क्या हो जाएगा, जल्दी से खा लेते हैं, उसके बाद यहाँ से चलते हैं। इतना स्वादिष्ट लड्डू तो मैंने आज तक नहीं खाया। कितनी रसीली जलेबी है। फलों का रस। अच्छा हुआ हम लोग यहाँ आ गए, अत्यंत तो भूख लगी थी। देखो तुम्हारे पसंद के मोदक, तुम भी खाओ ना। बहुत हो गया, अब तो पेट में स्थान भी नहीं है। देखो वो कमरे के कोने में कोई अद्भुत मिठाई रखी है। अरे रुको, देखने के लिए धन्यवाद। नए एपिसोड्स देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।